हेलो एवरीबॉडी कैसे हो आप सब आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड तो आज बेटा हम कौन से चैप्टर के एग्जाम्पलर करने वाले है? आज हम करें चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एनसीआर टी चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है आपके वन पेज नोट्स उसकी रिविजन हो चुकी है आनंद मनी चैनल पे प्लस पे हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं और हमारी प्रिपरेशन कब कंप्लीट होगी जब हम उनके पी वाई क्यू से एग्जाम्प्लर कर लेंगे तो अभी एग्जाम्प्लर से शुरू करते हैं फिर हम पी वाई क्यू भी इनके कर लेंगे है ना अच्छे से समझने वाला चैप्टर था इसमें याद करने वाली चीज़ें कम और समझने वाली ज्यादा थी तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा तो आप हर एक क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे है ना तो चलिए शुरू करते हैं बिफोर वी बिगिन बेटा अगेन जो 2023 को एम कर रहे हैं जो बच्चे तो उनको मैं बता दूं कि हमारा पहल पहल बैच स्टार्ट हो चुका है कहाँ पे आपका पहल बैच स्टार्ट हो चुका है अन अकेडमी प्लस की ऐप पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं पूरी की पूरी उम्मीद टीम के सभी एजुकेटर्स वहां पर आपको मिलकर वन ईयर में कंप्लीट इलेवेंथ और ट्वेल्थ पूरी नीट की प्रिपरेशन कम लोगों में ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन के साथ ज्यादा बेटर प्रैक्टिस सेशन के साथ वहां पर करवा रहे हैं जो आपको करना है ऑल दैट यू हैव टू डू इज यूज कोड आनंद और एनरोल करना है टू दी पहल बैच बस उतना ही एंड यू आर गुड टू गो है ना अच्छा उसके सिवा आप जानते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन सारा पी uh, डी जो भी मटीरियल रहता है आपके पास जैसे ए पी वाई क्यू एग्जैंपलर्स का भी पी आपको कहाँ मिलेगा टेलीग्राम चैनल ऑफ आनंद मनी तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए सारे माइंड मैप्स की नोट्स क्वेश्चन uh, प्रैक्टिस ऐसी चीज़ों के लिए आप वेबसाइट को भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर आपको सारे बेटर uh, वे में याद करने के लिए रिवीजन करने के लिए की नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं सारे माइंड मैप्स की नोट्स जो आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करें वो सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे मिल जाती हैं ठीक है तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं राइट तो चलिए हम आगे चलते हैं और हमारी एग्जाम्पलर्स का क्वेश्चन देखते हैं कि हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं एंड आई नो आप लोग सब चीज़ें सॉल्व बहुत आसानी से कर लेंगे शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन केमिकल्स आर एट जंक्शन जंक्शन बिटवीन टू कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है इन को एक न्यूरो से दूसरे न्यूरोन में लेके जाने के लिए न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं कौन सा केमिकल रिलीज होता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं कुछ एक्साइटेटरी होते हैं कुछ इनिबिट्री होते हैं पर जो रिलीज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उन केमिकल्स को न्यूरो ट्रांसमीटर्स साइनेप्टिक वेस्टिकल्स में भरे हुए थे और साइनेप्स पे जाकर रिलीज होते हैं जिनके रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट थे आया याद क्लिक हुआ कुछ सबको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन नंबर सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नेगेटिव आप जानते हो आरएमवी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव की होती है ना माइनस -70 मिलीवोल्ट की होती है अगर ये आपकी मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ एक नेगेटिव चार्ज मेंटेन्ड होता है बाहर की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज मेंटेन्ड होता है, है ना तो ये क्या कह रहे हैं ये कैसे मेंटेन हो रहा है दिस इज ड्यू टू डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग आयंस किसकी वजह से आपके पास पंप होता, होता है जो मेक श्योर sure करता है कि पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ ज्यादा रहे अंदर की तरफ कम रहे ताकि अंदर एक नेट नेगेटिव चार्ज प्रिपेयर हो सके है ना तो कौन मेंटेन करता है हमने पढ़ा था हमने देखा था सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से ऐसा होता है तीन सोडियम बाहर जाते हैं दो पोटेशियम अंदर आते हैं अंदर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है आंसर क्या होगा ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय अभी हमने बात करी आर एम वी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जस्ट अभी हमने देखा किसकी वजह से मेंटेन हो रहा है आयन पंप की वजह से जो आपके सोडियम पोटेशियम पंप है उनकी वजह से मेंटेन हो रहा है आंसर आ जाएगा सी सिंपल था है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन नंबर फोर द फंक्शन ऑफ आर विसरल ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय विसरल हमारे स्मूथ ऑर्गन हो जाते हैं विसरल ऑर्गन मतलब इनवॉलेंट्री एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है ए एन एस दैट इज योर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कौन कंट्रोल करता है कौन रेगुलेट करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन इंक्लूड होता है पैरासिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक है ना तो पैरासिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम हमारा विसरल ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल करेगा आंसर हो जाएगा बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवॉल्वड इन नी जर्क रिफ्लेक्स बेटा रिफ्लेक्स की बात हो रही है नी जर्क रिफ्लेक्स की इनमें से कौन-कौन सा इंक्लूड नहीं होता मसल तो इन्वॉल्व होगी ही क्योंकि इवेंचुअली मसल में ही मूवमेंट होनी है मोटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन आपका इफरेंट न्यूरॉन है जो कि इंफॉर्मेशन लेके जाएगा आपकी नी तक तो वो भी जरूरी है आपके स्पाइनल कोड में होते हैं जब आपका एफरेंट न्यूरोन जाता है स्पाइनल में फिर एक इंटर न्यूरोन पर इंफॉर्मेशन जाती है फिर उसको आगे लेके जाते हैं तो भी हमने स्पाइनल कोड में पढ़ा था ब्रेन को इंफॉर्मेशन दी जाती है बट इस रिफ्लेक्स आर्क में हम ब्रेन को इंक्लूड नहीं करते तो आंसर क्या आ जाएगा सी आंसर क्या आ जाएगा सी ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है ना आंसर हो जाएगा सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड एरिया इन ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस इमोशंस के लिए हम क्या पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस के लिए हम पढ़ते हैं लिम्बिक सिस्टम एमिक डेला में हमने पढ़े थे वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक रेज फियर पेन प्लेजर है ना प्लेजर रेज एक्साइटमेंट ये सब चीजें कौन रेगुलेट करता है लिंबिक सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस कौन रेग्युलेट करता है लिंबिक सिस्टम रेगुलेट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन मार्क द विटामिन प्रेजेंट इन रोडॉपसिन रोडोप्सिन कहाँ होता है बेटा आपकी जो रेटिना की लेयर है जो थर्ड लेयर है आई की आप जानते हैं उसके अंदर एक लेयर होती है फोटो पिगमेंट की है ना एक गैंग्लियोनिक एक बाईपोलर और एक फोटो पिगमेंट वाली लेयर होती है कौन कौन से फोटो पिगमेंट होते हैं आपके पास रोड्स होते हैं और आपके पास कॉन्स होते हैं रोड्स में एक पिगमेंट होता है जिसे आप बोलते हो रोडोप्सिन तो रोडोप्सिन एक पिगमेंट है जो रोड सेल्स में प्रेजेंट है और कौन सेल्स में प्रेजेंट होता है आयोडॉपिन प्रेजेंट होता है ये रोडोप्सिन दो चीजों का मिलकर बना होता है एक होता है रेटिनल और एक होता है ऑप्सिन याद आया कुछ रेटिनल और ऑप्सिन ये जो रेटिनल होता है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ वाइटमिन ए वाइटमिन ए इसीलिए कहते हैं आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए गाजर खाओ आंखों की रोशनी बह, होती है लोग कहते हैं ना क्योंकि है, विजन से रिलेट करके कहते हैं तो आंसर क्या होगा यहां पे विटामिन ए विटामिन में क्या कौन सा विटामिन ए है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहे क्वेश्चन नंबर एट

और फिर ये क्या कह रहे हैं एंड इट एनक्लोजस किस किस को इंक्लूड करती है आपकी आई बोल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा तो आपकी आई बोल बाहर से कवरिंग बनाती है इन तीनों लेयर्स की जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आपका एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर और बीच में लेंस कॉर्निया से लेकर लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर लेंस से लेकर रेटिना तक आपका विट्रस ह्यूमर आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर क्या हो जाएगा बी है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ

जो कि आपके बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हियरिंग कभी आपकी इंटरनल ईयरिंग रेगुलेट करती है हियरिंग के लिए एक हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर वहां पर प्रेजेंट है जिसके अंदर

कोकलिया में इंटरनल ईयर में कोकलिया में ये प्रेजेंट होता है ऑर्गन ऑफ कोटाई आंसर हो जाएगा डी है ना आंसर हो जाएगा डी तो इतने ही आपके एक्साम्पल बेस्ड क्वेश्चन थे मतलब डायरेक्ट जो एमसीक्यू टाइप जो आपके एनसीआर से डायरेक्ट बने थे वो हमने हाँ यहाँ पर ले लिए सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड हो गए बाकी और वेराइटी के क्वेश्चन देखने के लिए जैसा पैटर्न आपके प्रीवियस ईयर ऑफ नीट एग्जामिनेशन में आया है अगली वीडियो में मिलेंगे पीवाई क्यूज के साथ और अच्छे से उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेंगे अगेन प्लस क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं पहल बैच आपका ऑलरेडी अन अकेडमी पे चल रहा है थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग थैंक यू सो मच फॉर सींग वीडियो एंड इफ सच वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू डू शो योर सपोर्ट बाय लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको बाकी सारी वीडियोज uh, भी यहाँ पर उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए है ना ठीक है थैंक यू बेटा थैंक यू